वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ आज क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, इसके पहले क्लास में मैंने आपको मेटल्स का कंप्लीट बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स यानी धातु, मेटल्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपको टॉपिक सिलेबस में दिया है कि मेटल्स जनरल प्रॉपर्टीज और उसका पोजिशन क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। और आप उसके जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो आपको नॉन मेटल्स के बारे में भी सेम चीज बोला है कि जनरल प्रॉपर्टीज और उसका पोजिशन क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। ओके, उसके बीच में फिर आपको मेटलर्जी दिया हुआ है, राइट। तो मैं आपको पहले मेटल और नॉन मेटल कंप्लीट करूंगी, देन मैं आपको मेटलर्जी पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं जो साथ में पढ़ा रही हूँ उसके बाद इन दोनों का जो पोजिशन रहेगा पीरियोडिक टेबल में वो एक साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो आज की क्लास में मैं आपको अभी सबसे पहले मेटल जैसे बताया वैसे ही बताऊंगी कि नॉन मेटल हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी जो आपका एलिमेंट आपको सबसे दिया रहेगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल, मतलब धातु है कि अधातु है। नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु, मेटल को मैंने बताया था जिसकी वैलेंसी 1, 2, 3 रहेगी तो क्या रहेगा वो मेटल यानी धातु। तो अब आपको पढ़ाएंगे कि नॉन मेटल क्या रहेगा। तो नॉन मेटल आपका ये टॉपिक है, ठीक है। नॉन मेटल को हिंदी में बोलते हैं क्या, अधातु। क्या बोलते हैं, अधातु, राइट। अब स्टूडेंट जनरली मैक्सिमम आपका ऐसा एलिमेंट होता है जो मेटल होता है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट है जो नॉन मेटल होते हैं, राइट। मेटल्स ज्यादा रहता है, वैल्यू बहुत मिलता है और नॉन मेटल्स कम रहते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स हमको ये देखना है कि नॉन मेटल्स क्या है, क्या होता है नॉन मेटल्स। जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था कि ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग शेल में डिवाइड करते हैं और शेल में डिवाइड करने के बाद बताई थी कि मैं उसका आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन में जो भी वैलेंसी रहेगा उसको हम लोग देख के क्या बताते हैं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल। वैसे ही हमने नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक थ्योरी से ये भी ऐसे पता चलेगा, जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ मैं, कौन सा एग्जांपल लूँ मैं आपका, नाइट्रोजन, राइट। अब स्टूडेंट नाइट्रोजन एक एग्जांपल लेंगे, अब आपको पूछेगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल। तो आपको जैसे मेटल में 1, 2, 3 वैलेंसी होती है तो वो मेटल होता था, नॉन मेटल में अगर आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, अगर आपका आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है बाहरी श्रृंखला, उसकी जो बाहर की जो श्रृंखला होती है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 4 से ज्यादा होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 4, sorry, 4, 5, 6, 7 अगर ये रहेगा तब आपका वो क्या रहेगा, नॉन मेटल, मतलब अधातु होगा, ठीक है। बाकी तो सेम प्रॉपर्टी जो आपको मैंने मेटल में पढ़ाया है, तो आई थिंक कि आपको इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की उसको जरूरत नहीं है, राइट। तो देखो अब आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ओके स्टूडेंट्स, कितना 7। तो कितना शेल, के एल एम और एन शेल, 4 शेल पढ़े हमने, तो के शेल की कैपेसिटी होगी 2, 2 फिल अगर बचा कितना 5, तो 5 में मैं फिल कर सकती हूँ, फिल हो गया, तो 2 और 5 का शेल कितना हो, 2, 5, 7 हो गया, तो कितना बचे यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में, कितना बचे 5 बचे, तो 5 है ना, तो कितना बचा आउटर मोस्ट शेल में, पढ़ लिया कि 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, ये 7 बचेगा, तो वो क्या रहेगा आपका, नॉन मेटल। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन मेटल। तो इससे हमको पता चल गया कि नाइट्रोजन क्या है आपका, नॉन मेटल, समझ आया। तो ऐसे ही हम मेटल और नॉन मेटल को फाइंड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा नॉन मेटल। मैं इसमें आपको ज्यादा डिग्री और इसमें नहीं बता रहा कि मैंने पहले आपको मेटल में पूरे अच्छे से बताया था स्ट्रक्चर कि ऑक्टेट थ्योरी कैसे फुलफिल करता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे आपको मेटल और नॉन मेटल में आप बता सकते हो। सिर्फ स्टूडेंट मेटल और नॉन मेटल फाइंड करने का यही तरीका है कि आप उसकी क्या कर सकते हो, आउटर मोस्ट शेल को देख के पता कर सकते हो कि वो मेटल है कि नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको मैं एक टॉपिक इसमें इंक्लूड करूंगी कि आपका जो नॉन मेटल और मेटल होता है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हमने मेटल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लिया कि मेटल्स तो भाई जिसका एलिमेंट होता है 1, 2, 3 आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन उसको हम लोग मेटल बोलते हैं, जिसका आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन 4, 5, 6, 7 होगा वो क्या हो जाएगा,
नॉन मेटल, आपका नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन देखोगे तो नॉन मेटल है ना। इसके आगे आपको सिलिकॉन, आगे आगे सब बढ़ते जाओगे, सिलिकॉन है नॉन मेटल है, फॉस्फोरस है नॉन मेटल है, राइट। तो आप ऐसा आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये समझ आते जाएगा कि ये सारे नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले मेटल और नॉन मेटल की बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कि मेटल और नॉन मेटल को हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। मैं इसी में ही कवर कर दे रही हूँ उस टॉपिक को, क्योंकि मुझको अलग से इसके लिए वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। और ये आपको टॉपिक दिया नहीं है, लेकिन मुझे ये बताना जरूरी है कि हम मेटल और नॉन मेटल को कैसे रिएक्ट करा सकते हैं। तो मेटल मतलब धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, हाउ इट रिएक्ट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ इन लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जो मेटल है, एक हम लोग मेटल लेंगे और एक स्टूडेंट नॉन मेटल लेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्शन परफॉर्म करता है, ये पढ़ेंगे। स्टूडेंट मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, फिर ये फॉर्म होता है, दोनों एक दूसरे रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से या आयोनिक बॉन्ड से। आप बोलोगे मेरे को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं पता, मेरे को आयोनिक बॉन्ड नहीं पता, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, दोनों का नाम सेम है, दोनों सेम चीज है। अब पढ़ते सबसे पहली बात आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड दो टाइप के बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है स्टूडेंट, आयोनिक बॉन्ड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब आपको ये मैं बोल रही हूं तो समझ नहीं आएगा, मैं एग्जांपल से बताती हूँ, राइट। जैसे कि पहली बात तो ये रिएक्ट किससे करते हैं, ये लोग दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से रिएक्ट करते हैं। पहली चीज तो देख लिया कि लोग किससे से रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से और आयोनिक बॉन्ड, उसी को ही बोलते हैं, दोनों का नाम सेम चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बताई आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, राइट। देखो स्टूडेंट मेटल और नॉन मेटल की मैं एक मेटल ले लेती हूँ, मेटल मैंने ले लिया समझ लो सोडियम, राइट। एक नॉन मेटल चाहिए मेरे को, मैंने एक नॉन मेटल क्या ले लिया, क्लोरीन, क्या क्लोरीन, ओके। नॉन मेटल लिया क्लोरीन, मेटल मैंने ले लिया सोडियम, राइट। अब इन दोनों के बीच में क्या करवाना है, आयोनिक बॉन्ड, कि हमने पढ़ा ना कि नॉन मेटल और मेटल एक दूसरे से आयोनिक बॉन्ड से रिएक्ट करते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, देखो स्टूडेंट आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस मेटल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे जो हमने लिया है, जैसे सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11, क्लोरीन का होता है 17, ये चीज क्लियर है। उसके बाद इसका हम लोग कॉन्फिगरेशन करेंगे तो पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, देन 8 ही बचेगा, कितना यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, 2 पहले फिल हो गया, दूसरे सेल में 8 पूरा फिल हो गया, 1 बचा तो थर्ड सेल में चल देगा, कंप्लीट हो गया 2, 8, 10 + 1, 11। आप 17 है तो पहला सेल में 2, 8, 10 बचा कितना, 7 यहाँ फिल हो गया। इतना समझ आया कि नहीं आपको, आई थिंक इतना तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब देखो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, ध्यान देना, देखो ये दोनों का ये वाला अगर आप शेल देखोगे फर्स्ट शेल, तो दोनों का जो फर्स्ट शेल है वो क्या है, फुलफिल है, स्टेबल है, ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी 2 है, 2 ही फिल है, राइट। सेकेंड शेल देखो, सेकेंड शेल में स्टूडेंट भी ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग फुलफिल है, दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। लेकिन आप थर्ड शेल देखोगे, थर्ड आपका स्टेबल नहीं है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मेटल है, 7 है मतलब नॉन मेटल है। अब देखो हमने पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, क्योंकि इसके पास मैंने बताया था कि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जितने भी रहते हैं तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेके और स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं बना सकता, तो ये क्या करेगा, ये उसको दे देगा जिसको जिसकी जरूरत होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा,
लगेगा कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इसको 7 चाहिए या 1 देना है, तो 7 लेने तो इजी नहीं है, क्या करेगा 1 देगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 अनाड बच जाएंगे सेल में, ओके। अब देगा किसको, ये देगा इसको, कैसे, देखो स्टूडेंट, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, इसको फुलफिल होने के लिए या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा उधारी, या फिर ये 7 किसी को देगा जिसको जरूरत है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे नहीं सकते, 1, 2, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकते, है ना, और उससे ज्यादा किसी से ले नहीं सकते। तो क्या किया, ये क्या करेगा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इससे क्या करेगा, मंगेगा, राइट। इतना समझ आया, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे मंगेगा, किससे, मेटल से, मेटल से मंगेगा कि भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दो तो क्या होगा। अब देखो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास कैसे बच जाएगा, 2 और 1, यही बचेगा, 1 तो दे दिया ना इसने, 1 दे दिया तो इसके पास हो गए स्टेबल, अभी स्टेबल हुआ कि नहीं, क्वांटम प्रॉपर्टी थ्योरी, स्टेबल हो गया। सेकेंड शेल में देखो ये क्या बन जाएगा, 2, 8 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 8, स्टेबल हुआ कि नहीं, इसको 1 मिला तो 8 हो गया, दोनों क्या कर दिए, अपना अपना जो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों अपने आप को क्या बना लिए, स्टेबल कॉन्फिगरेशन, और इसी को भी शेयर, इसी ही ट्रांसफर को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, 1 के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 के पास जो कम, जिसको 1 को जरूरत रहता है उसको अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे रहा है, ये किसी से ले रहा है क्या, ये सिर्फ इसको दे रहा है, ये इसे दे रहा है, ये इसको कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है, एक ही तरफ होगा, या ये इसको दे रहा है या इसको देगा, तभी वो स्टेबल होगा। तो इसमें ये वाला इसको दे रहा है, इसके ये भी स्टेबल हो जा रहा है अपने लिए, ये भी स्टेबल हो रहा है, ये देके स्टेबल हो रहा है, ये देके स्टेबल हो रहा है, राइट। तो ऐसे ही ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक ही कोई मेटल है वो नॉन मेटल को दे रहा है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ताकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो जाए। तो इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी मैं बता रही हूँ, जरूरत नहीं है स्टूडेंट, लेकिन बॉन्ड कहा है मैं कोवेलेंट बॉन्ड का भी बता देती हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सिलेबस में नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड लेकिन समझ लो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, जैसे कि दो एलिमेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल क्लोरीन का लिया था, क्लोरीन है, दो एलिमेंट है क्लोरीन, ठीक है, तो क्या होता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों में, लुईस सिंबल में पता होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों ही एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल कॉन्फिगरेशन बनाने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करेंगे, ये अपना इसको भी देगा देगा और ये इससे भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शेयर करके, जैसे हम टिफिन शेयर खाते हैं ना वैसे ही सेम, ये दोनों एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं, ताकि ये इसको एक देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये इसको एक देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, आयोनिक बॉन्ड में ऐसा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक ही है, वो किसी को देता है और दूसरा है वो लेता है, ये आपका आपका आयोनिक बॉन्ड में आ गया। तो ये आपका था पहला टॉपिक, जो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स की आप आउटर मोशन में देखोगे, किसी भी एलिमेंट को हम नॉन मेटल तभी बोलेंगे या अधातु तभी बोलेंगे, जब उसका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो आपका नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अचीवर होता है, क्योंकि उसके पास तो 4, 5, 6, 7 रहता है आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन, तो वो 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा नहीं, वो किसी से लेके अपना स्टेबल कॉन्फिगरेशन बनाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, जैसे क्लोरीन नॉन मेटल है, ये किसी से 1 लेके क्या किया, स्टेबल। तो ये क्या करते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, जैसे कि मेटल क्या होता है, डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर मतलब वो देता है इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिसेप्टर, मतलब ये ऋण क्या करता है, जैसे ब्याज देना, ब्याज देते हैं ना, तो मेटल ब्याज देता है, समझ लो एग्जाम्पल ऐसे समझा लो, और नॉन मेटल लेता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसको क्या करेगा, अचीवर एक्सेप्टर होता है, ठीक है,
अचीवर होता है। अगर हमें मैंने पहले क्लास में बताया था कि अगर किसी से इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं, किसी से कुछ उधारी लेते हैं, तो हमारे में कौन सा साइन लग जाता है, हम ऋणी हो गए किसी के। मैं अगर किसी से उधारी ले रही तो मैं क्या हो गई, किसी की ऋणी हो गई, है ना। तो किसी की ऋणी हो गई तो क्या लगेगा, नेगेटिव साइन। तो नॉन मेटल में हमेशा कौन सा साइन लगता है, नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन कैसे लगाते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए रहेगा उतना ही क्या लगता है उसमें, उसका चार्ज लगता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था फुल होने के लिए, तो उसका चार्ज लगेगा क्लोरीन माइनस। समझ आया। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 और 6 रहता है, कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को 2 चाहिए क्योंकि इसकी 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ऐसे बनेगा तो 2 और 6 हो जाएगा। कितना चाहिए इसको, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, तो इसका चार्ज कैसे लगेगा, 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब होता है कि 2 चार्ज क्या करेगा, ये किसी से लेगा। और मेटल में कैसे रहता है, सोडियम में 1 दे रहा है, दे रहा है ना, तो प्लस, तो मैंने आपको बता चुका हूँ, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद इसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर ये खत्म होने के बाद स्टूडेंट ओवरऑल मेटल और नॉन मेटल में क्या देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन। थैंक यू।